Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke madrasa Imdadul Islam mein aaj shaikshik jagrukta sammelan ka aayojan kiya gaya, jisme Bihar sarkar ke purv mantri aur All India Muslim Personal Law Board ke sadasya अनीसुर रहमान ने युवाओं को शिक्षा के पथ से जोड़ने पर जोर दिया। इसके अलावा योगी सरकार के यूपी में मदरसों की कराए जा रहे इस सर्वे को लेकर कहा कि यह सरकार का अच्छा कदम है। सर्वे हर शिक्षण संस्थान का होना चाहिए ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके और इसे ईमानदारी से करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर भी खुशी जाहिर की है। मौके पर मौजूद मौलाना साहब ने यह जानकारी दी। नियाद की और कुरान की अपने मदरसों में पढ़ाते हैं, आप आगे का भी वही सिलसिला कीजिए, कम रखिए चाहे ज्यादा रखिए लेकिन बढ़िए आगे। एक तरफ जहां मदरसे का सर्वे चल रहा है वहीं औकाफ के भी सर्वे की बात कही जा रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, औकाफ का सर्वे अगर औकाफ की हिफाजत के लिए हो तो बहुत ही अच्छा, और औकाफ की ज़मीनों को अगर किसी दूसरे लोग हड़पने के लिए अगर करना चाहते हो तो भाई ये तो मुनासिब बात नहीं है। हम लोगों ने तो बिहार में सर्वे नहीं हो रहा था तो पिछले 10 साल से वहाँ कोशिश की जा रही है कि हर वक्फ का सर्वे हो जाए, लेकिन साथ ही सर्वे के साथ चाहते हैं कि किसी भी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को खाली करने का जो कानून है वही कानून वक्फ की ज़मीन को खाली कराने का भी इस्तेमाल में आना चाहिए, ताकि वक्फ की ज़मीनें खाली होंगी तो पब्लिक को फ़ायदा होगा। किसी कोई एक शख्स अगर वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुआ है तो उसका नाजायज़ कब्ज़ा अगर है तो उसी तरह खाली कराना चाहिए जैसे कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके अपना घर मकान बना लेता है और सरकार चाहती है तो एक दिन में खाली करा देती है, उसके मकान को कब्ज़ा में ले लेती है। वही तरीका पब्लिक का वो भी हिस्सा है, चाहे वो वक्त के नाम से है, उसको भी खाली कराना चाहिए। सरकार का कह रहा है कि वक्त की ज़मीन को खाली करा करके उसमें स्कूल और अस्पताल स्थापित कराए जाएंगे। देखिए, उसमें यह है, अगर सरकार के पास ज़मीनें नहीं हैं तो वक्त का जो कानून है उसमें गुंजाइशें जहां हैं उन ज़मीनों को उतने हद तक लेना चाहिए। भाई वक्त तो होता ही है इंसानों के फ़ायदे के लिए, जो ज़मीन है उसमें कार खैर के बाद वक्फ हैं, उसमें कुछ भी आप कायम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मज़हबी तौर पर यह कैद है कि एक शख्स ने अपनी ज़मीन जिस काम के लिए दी है उसी काम को शुरू करना चाहिए। इसलिए कि अगर किसी ने स्कूल के लिए दी है तो स्कूल बनाना चाहिए, गरीबों के फ़ायदे के लिए दी है तो फ़ायदा ये भी है कि आप उसमें अस्पताल बनाइए लेकिन गरीबों के लिए बनाइए। इसलिए कि जिस शख्स ने वो ज़मीन दी है गरीबों की मदद के लिए दी है, तो अगर उससे गल्ला की आप मदद नहीं दे सकते हैं तो उसके हेल्थ को मदद दीजिए, उसकी सेहत को दीजिए, ये बुनियादी चीज़ कायम करना। देखिए लोग तो किसी भी चीज़ में मुआफिक और मुखालिफ होते हैं, हम लोग उसमें नहीं जाते। मेरा कहना है वक्फ जिस काम के लिए है उसको इस्तेमाल कीजिए ना। हम तो अब क्या करा देंगे भाई, वैसी साहब तो मेरे बिहार के हैं नहीं कि मैं उनसे रब्ता रखूं, इसलिए वैसी साहब से न कभी मेरा मिलना है न जुलना है, इसलिए हम उनको नहीं जानते हैं। सरकार की बात है, सरकार जो सरकारी स्कूल है उन्हें हाईटेक कर रही है, बाकायदा मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मदरसों में ये दरकार नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा तो कम करो भाई। एक बात देखिए, जब कौम आगे बढ़ती है, एक स्कूल आगे बढ़ता है तो साथ ही साथ दूसरे जितने प्राइवेट स्कूल हों, मदरसे हों, वो भी आगे बढ़ेंगे। ये सिक्योरिटी है मदरसे के, आपके बगल में अगर कोई स्कूल सरकारी हाईटेक होगा तो लाजमन चाहे 2 साल के बाद ही सही ये मदरसा भी हाईटेक हो जाएगा।
आप हाईटेक करने का एक नमूना तो बना कर पेश कीजिए। कॉमन सिविल कोड प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सही है तो भाई उस कॉमन सिविल कोड के बारे में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जानते हैं। हम तो शिक्षा वाले हैं, शिक्षा की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं देखिए, हमने तो पूरा एक्ट को और उनके उसको नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी भी सर्वे को जो सरकार करती है उसकी मुखालफत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उस सर्वे को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या है, हम तो बिहार में जातीय जनगणना जो सर्वे है उसकी भी हिमायत करते हैं। अगर सरकार उससे गरीबों को कमज़ोरों को के लिए कुछ योजना बनाना चाहती है तो बनाए। पिछले 2-3 दिनों से एक मामला चर्चाओं में है, बरेली में एक सम्मेलन हुआ, उसमें वहाँ बोल दिया गया कि जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर से नमाज हो रही है वो जायज नहीं है और ऐसी मस्जिदों से एक बात देखिए, शिक्षा जब आगे बढ़ेगा, तालीम आगे बढ़ेगी, इसलिए मैं मदरसों में भी रिसर्च वर्क की बात करना चाहता हूँ, तो ये छोटी छोटी बातें कभी नहीं आएंगी। तो भाई लाउड स्पीकर तो ज़रूरत के लिए है, जैसे हम जबान से बोल रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, अगर 1,000 का मजमा होगा तो जबान से आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो जाहिर है ये मशीन, ये आपकी आवाज़ जो है ये दूर तक पहुंचाती है। क्यों हम बोल रहे हैं, इसलिए कि हमारी बातें सारे लोगों तक पहुंचे, वही एक लाउड स्पीकर है। उनकी जो अपील है कि जहां लाउड स्पीकर से नमाज हो रही है ऐसी मस्जिदों से दूरी बना लेनी चाहिए। एक बात देखिए, मैं साफ कहता हूं, बाज़ बातें फितरत के खिलाफ होती हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वो चीज़ मस्जिद में भी सही होगी, हम इतना ही जानते हैं। अगर लाउड स्पीकर आम सभा के लिए सही है तो मस्जिद के लिए भी सही होगा। उनको कहेंगे कि आप अपने इल्म को आगे बढ़ाइए, सीखिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।